हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक वीडियोस की सीरीज शुरू करेंगे। उस सीरीज में हम इलेक्ट्रिक लो को WCAG 1, WCAM 2 एंड WCAM 3 इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करेंगे, बेसिक एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोको के डिफरेंट पार्ट्स के नाम और उनके जो एब्रिविएशंस हैं उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद में फिर हम एक चार्ट के माध्यम से कंप्लीट लोगों के जो डिवाइसेज हैं, जो भी मशीन्स हैं, जो कहाँ कहाँ पर लगे हैं, उनके लोकेशंस को हम देखेंगे। और फिर एक एक पार्ट का हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग वीडियोज़ में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको जो एब्रिविएशंस जो बताने वाला हूँ वो इलेक्ट्रिक लोको में थोड़ा सा टिपिकल सा है, तो उसको याद रखने के लिए एक तरीका है अपने पास। और उसमें मैं कुछ आपको ये एब्रिविएशंस बताऊँगा, इनके इनको मिला जुला कर ही हम जो है सही बाद में बहुत सारी एब्रिविएशंस को डेराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बताता हूँ मैं आपको, जैसे BL, हालांकि इसके बारे में सब जानते हैं लोग कि BL क्या होता है। BL होता है बटन लीवर, बटन लीवर, ठीक है। ये एक स्विच होता है। अब BL से एक और चीज बताता हूं, जैसे एक होता है PR, लोको में PR भी एक नोमेनक्लेचर किया हुआ होता है। PR का मतलब, PR का जो नोमेनक्लेचर है वो एक्चुअली हेडलाइट के लिए यूज होता है, ठीक है। और एक नोमेनक्लेचर है F, जिसको हम फ्रंट और R रियर के लिए जनरली यूज करते हैं। अभी देखो, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये है BL, PR, F, और एक है BL, PR, R। ये लोगों के एक BL स्विच होता है, उस पर लिखा रहता है, ठीक है, उसका एक नोमेनक्लेचर है। तो यहाँ पे BL का मतलब क्या हुआ, बटन लीवर मतलब स्विच। PR का मतलब हो गया हेडलाइट, जो मैंने पहले ही आपको बताया है ये वाला, और F का मतलब हो गया फ्रंट। तो ये BL PR F है, ये हेडलाइट का फ्रंट, फ्रंट वाली हेडलाइट का एक BL स्विच है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे BL का मतलब वही स्विच, PR बोले तो हेडलाइट और R बोले तो रियर। तो ये रियर हेडलाइट के लिए यूज किया जाएगा इस नोमेनक्लेचर को। BL PR R का मतलब है हेडलाइट का जो रियर वाला जो हेडलाइट है उसको चलाने के लिए जो BL स्विच है वो। एक होता है इसी सीरीज में BL PR D, तो BL का मतलब वही स्विच, PR बोले तो हेडलाइट और D बोले तो डिम वाला। तो डिम हेडलाइट के, डिम हेडलाइट को डिम करने के लिए जो BL स्विच है उसका नाम है BL PR D। अभी ये PR, एक्चुअली PR का अगर देखा जाए सीधा सीधा हेडलाइट से कोई ऐसा एब्रिविएशन कैसे किया गया समझ नहीं आ रहा, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक ट्रिक के तौर पे, PR बोले तो प्रकाश, ठीक है। तो इसका पहला दो लेटर है मान ले जाए ये ले लिया, तो इससे हम इसको समझ सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम आते हैं कि जैसे हम अब बहुत सारे ये एब्रिविएशंस जानेंगे, जिनमें सबसे पहले जैसे हमने BL जान लिया। अब है एक होता है Z, जेड बोले तो स्विच, स्विच के लिए ये यूज होता है। BP, BP जो होता है पुश बटन के लिए यूज होता है। इसमें इलेक्ट्रिक लोगों में एक थोड़ा देखने को मिला है कि जो जो एब्रिविएशन है ना वो उल्टी डायरेक्शन में किया जाता है। जैसे ये BP है, वैसे तो PB होना चाहिए पुश बटन का, है ना, PB, लेकिन यहाँ पे BP किया गया है। तो जनरली ऐसे ही किया जाता है इसमें, P4 पुश, B4 बटन, पुश बटन, है ना। इसी तरीके से H,
एच एक एच भी एक स्विच के लिए यूज होता है, जिसको हम प्रोग्राम स्विचेज बोलते हैं। प्रोग्राम स्विचेज, ये जो स्विचेज होते हैं ये रोटरी स्विच की तरह होते हैं, रोटरी स्विच की तरह होते हैं। ओके, एक होता है एल एस, एल एस का होता है सिग्नलिंग लैम्प, सिग्नलिंग लैम्प। एक होता है टी एफ, टी एफ बोले तो ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पे टी एफ बोले तो सीधा सीधा आ गया, तो मैंने वो इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज किया था। जनरली ऐसा होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एल ये टी ए, आप जो है एल एस में ये एस वाला पहले लिखते हैं, एस वाले का पहले एब्रिविएशन होता है, एल वाले के बाद होता है। मैं एक जनरली आपको अंडरस्टैंडिंग के तौर पे बता रहा हूँ वो चीज़ कि जनरली ऐसे ही होता है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है। जैसे टी एफ बोले तो ट्रांसफार्मर के लिए यूज हो गया। एस एम, एस एम बोले तो सर्वो मोटर। पी आर का मैं बता ही चुका आपको पहले, हेडलाइट। उसके बाद में सी, सी जनरली कॉन्टैक्टर के लिए होता है। अगर अकेला सी यूज हो रहा है, इसका मतलब कॉन्टैक्टर के लिए वो यूज हो रहा है। क्यू, क्यू रिले के लिए यूज होता है। सी सी, सी सी यूज होता है फ्यूजेज के लिए, जो फ्यूज लगे रहते हैं लोगों में डिफरेंट सर्किट्स को के प्रोटेक्शन के लिए, तो वहाँ पे उनके नोमेनक्लेचर में हम सीसी का यूज करेंगे, उनके नामकरण में सीसी लगाएंगे हम। एक होता है जीआर, जीआर होता है ग्रेजुएटर, ग्रेजुएटर। अब ये होते क्या है, ये पार्ट्स के बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे, तो अभी इनका बेसिक हम समझ रहे हैं। एक होता है आरजी, आरजी गवर्नर के लिए यूज किया जाता है। गवर्नर एक तरीके के जैसे प्रेशर स्विचेज होते हैं, एक डीजल लोको में होता है जैसे प्रेशर स्विचेज जो होते हैं P1 P2, तो उस तरीके का ये गवर्नर होते हैं जो कि प्रेशर को एक लिमिट तक रेगुलेट करके रखते हैं, है ना। तो ये गवर्नर हैं। इसके अलावा एक होता है VE, VE का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो वॉल्व, इलेक्ट्रो वॉल्व। एक होता है पीटी, पीटी बोले तो पेंटोग्राफ के लिए यूज किया जाता है। एमवी, एमवी, एमवी यहाँ पे वी जब भी आएगा ना, वी अकेला, तो वी एक्चुअली ब्लोअर के लिए यूज होता है, एम यहाँ पे मोटर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे एमवी का मतलब हुआ ब्लोअर मोटर। एम टी, एम टी ट्रैक्शन मोटर के लिए यूज होता है। सी पी, सी पी कंप्रेसर के लिए यूज होता है। अभी कुछ और देखेंगे जिनमें, जैसे एक है सी जी आर, सी जी आर। अभी देखो ये वाला नाम भी जो है हम पहले जो पढ़े हैं उन्हीं शॉर्टकट से बना है। सी बोले तो कॉन्टैक्टर, जी आर बोले तो ग्रेजुएटर। तो ग्रेजुएटर का जो कॉन्टैक्टर है उसको सी जी आर से डिनोट करते हैं, ग्रेजुएटर कॉन्टैक्टर। ये तीन होते हैं टोटल, है ना, मेन ट्रांसफार्मर के वहाँ पे जी आर के वहाँ लगे हुए होते हैं। उसके बाद में होता है आर जी आर, आर बोले तो रेजिस्टेंस है, जी आर बोले तो ग्रेजुएटर। तो ग्रेजुएटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बोलेंगे आर जी आर, ग्रेजुएटर रेजिस्टेंस। एक होता है आर पी जी आर, यहाँ पे आर फॉर रेजिस्टेंस है, पी फॉर परमानेंट, एंड जी आर वही ग्रेजुएटर, ग्रेजुएटर का परमानेंट रेजिस्टेंस जो है उसको बोलेंगे परमानेंट रेजिस्टेंस। ऑफ ग्रेजुएटर, ठीक है। इसके बाद में होता है एस एम जी आर, एस एम जी आर।
इसको भी देख सकते हैं, एसएम का हम मीनिंग देख चुके हैं। एसएम बोले तो सर्वो मोटर, जीवा बोले तो ग्रेजुएटर। तो ग्रेजुएटर को चलाने वाली जो मोटर होती है, जो सर्वो मोटर होती है, उसको बोलते हैं ये सर्वो मोटर ऑफ जीआर, सर्वो मोटर ऑफ ग्रेजुएटर। फिर हो जाएगा एक जेड एसएम जीआर होता है, जेड एसएम जीआर। अब यहाँ पे जेड का मतलब मैं आपको बताया था, जेड बोले तो स्विच हो गया, जेड बोले तो स्विच हो गया। स्विच किसके किसको चलाने के लिए, एस एम जी आर को चलाने के लिए, सर्वो मोटर ऑफ ग्रेजुएटर को चलाने के लिए जो स्विच है उसके एस एम जी आर बोलते हैं। इसी तरीके से आगे आता है आर जी सी पी। अब इसमें भी दोनों का मैं मीनिंग बता चुका। आर जी बोले तो गवर्नर हो गया है ना, और सी पी बोले तो कंप्रेसर हो गया। तो कंप्रेसर का गवर्नर जो होता है उसको बोलते हैं आर जी सी पी। ये जो गवर्नर है ये 8 kg/cm² से लेके 9.5 kg/cm² प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। मतलब जब भी एम आर, ये जो सी पी होते हैं वो क्या, जो कंप्रेसर होते हैं ये एम आर प्रेशर बनाते हैं। एम आर प्रेशर के लिए ये कंप्रेसर, तीन कंप्रेसर लगे हुए होते हैं जनरली इस लोकों में। तो ये क्या करता है, ये आर जी सी पी जो कंप्रेसर जो है उसको कौन से को चलाना है, मतलब उसके उससे जो प्रेशर बनेगा उस प्रेशर को मॉनिटर करता रहता है। अगर 8 प्रेशर से कम हो गया 8 kg/cm² से, तो ये पर्टिकुलर सेलेक्ट किए हुए हुए कंप्रेसर को चला देगा है ना, और 9.5 तक अगर प्रेशर पहुंच गया है तो वो ऑटोमेटिकली उसको बंद कर देगा। तो ये वो कंप्रेसर का गवर्नर है ना, वही मैंने बताया ना प्रेशर स्विच टाइप का, हमारे उसमें डीजल लोको में होते हैं ऐसे। और आर जी ई बी होता है एक आर जी, ये इमरजेंसी ब्रेक के लिए गवर्नर है, गवर्नर फॉर इमरजेंसी ब्रेक। ठीक है, इसके अलावा आर जी ए एफ होता है एक, आर जी ए एफ। तो आर जी ए एफ होता है एयर फ्लो का, एयर फ्लो गवर्नर। VEPT, VE, यहाँ पे ये VE का मीनिंग बता दिया मैंने, PT का बता दिया। PT पेंटोग्राफ, VE होता है इलेक्ट्रो वाल्व के लिए। तो पेंटोग्राफ का जो इलेक्ट्रो वाल्व है उसके लिए यूज करते हैं इसको, इलेक्ट्रो वाल्व फॉर पेंटोग्राफ। एक होता है VESA, VESA, ये ऐसे बोले तो सेंडर के लिए यूज होता है। V इलेक्ट्रो वाल्व, तो इलेक्ट्रो वाल्व फॉर सेंडर, इलेक्ट्रो वॉल फॉर सेंडर्स। ओके, इसके बाद में होता है एक VEAD। तो यहाँ पे AD बोले तो ऑटो ड्रेन के लिए है ना, एयर को ड्रेन करने के लिए ऑटो ड्रेन है ना। तो ये वॉल लगा होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो वॉल ऑफ ऑटो ड्रेन। ठीक है, इसके बाद में होता है VEUL, VEUL एक होता है। तो U बोले तो अनलोडर, L बोले तो लोडर, और VE इलेक्ट्रो वॉल्व हो गया। तो इलेक्ट्रो वॉल्व फॉर अनलोडर एंड लोडर, या फिर ऐसे बोलो लोडर एंड अनलोडर, लोडर एंड अनलोडर। तो फ्रेंड्स इतना आज हमने पढ़ा। इसके बाद में हम अभी पूरा एब्रिविएशंस जो जितने भी लोकों में यूज्ड हैं उन सबको सिस्टमेटिकली तरीके से पूरा स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।